बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कलरकहार में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे की। कलरकहार के करीब मिल्लत ग्रामर हाई स्कूल की फैसलाबाद की बस सॉल्ट रेंज के पुल से नीचे गिर गई। प्रिंसिपल अनवर हफीज समेत 30 तलबा जहां बहक 38 शदीद जख्मी हो गए हैं। आपको बताते चलें कि कलरकहार में आने वाले अफसोसनाक हादसे के बारे में कि कलरकहार के करीब मिल्लत ग्रामर हाई स्कूल फैसलाबाद की बस सॉल्ट रेंज के पुल से नीचे गिर गई और इस अफसोसनाक वाकये के नतीजे में अब तक की इत्तला के मुताबिक प्रिंसिपल अनवर हफीज समेत 30 तलबा जहां बहक जबकि 38 शदीद जख्मी हो गए हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जहां बहक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है और जो जख्मी हुए हैं उनकी तादाद भी ज्यादा है। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में भी वालदैन स्कूल के बाहर जमा हैं। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। स्कूल में जो कमिश्नर और इंतजामिया हैं वो मौजूद हैं और तलबा के वालदैन को मालूमात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मोटरवे पर कलरकहार के करीब तलबा से भरी बस पुल से नीचे जा गिरी जिससे स्कूल के प्रिंसिपल समेत 30 तलबा जहां बहक हो गए हैं। आइए इस अफसोसनाक हादसे की तफसील जानते हैं। मिल्लत ग्रामर स्कूल फैसलाबाद के 100 से ज्यादा तलबा पिकनिक मनाने रावलपिंडी गए। इनमें छठी से दसवीं जमात तक के तलबा, प्रिंसिपल, एक मुलाजिम और 3 उस्तादा शामिल थे। तलबा ने सारा दिन खुशी खुशी रावलपिंडी इस्लामाबाद की सैर में गुजारा। वापसी पर बस मोटरवे से फैसलाबाद जा रही थी। जो ही कलरकहार सॉल्ट रेंज पे पहुंची तो इसके ब्रेक्स फेल हो गए और वो पुल से नीचे जा गिरी जिससे स्कूल के प्रिंसिपल हफीज अनवर समेत तलबा जहां बहक हो गए। एक स्कूल है फैसलाबाद में, मिल्लत ग्रामर स्कूल, उसके बच्चे यहाँ स्टडी ट्रिप पे आए हुए थे कलर कार में, खेड़ा में। तो वापसी पे इस जगह पे फेलियर ऑफ ब्रेक्स की वजह से गाड़ी जो है वो कैटापल्ट हो गई। तो इसमें 105 बच्चे थे और साथ उनके 3-4 टीचिंग स्टाफ भी था, उनके प्रिंसिपल भी एक्सपायर हुए। जख्मी तलबा को चकवाल और कलरकहार के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी तालबिल ने बताया कि बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। वापस आ रहे थे कि वो अचानक स्पीड थी बस की, वो ब्रेक फेल हो गई, वो गाड़ी गिर गई। ओवरलोड भी थी और ओवर स्पीड भी बहुत थी। इतनी ज्यादा स्पीड थी, सर ने कहा स्लो करो, लेकिन वो जब उसने ब्रेकें लगाई तो ब्रेकें फेल हो गई। अचानक शोर मचा, ब्रेकें फेल, और एक सर हमारे उन्होंने छलांग लगा दी उधर से। सर कह रहे ब्रेक फेल होगी, हमने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर उसी देर उतनी देर में बस उठ गई। हम खिड़की के साथ बैठे थे, अचानक सर ने कहा ब्रेक फेल हो गया, कुछ पढ़ना शुरू कर दो। फिर हमने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया कि अचानक वो चीखे मारने लग पड़े और एक सर भाई छलांग मारने लगा था, तो वो सारे उसको पकड़ने लगे और बस उलट गई। और हम खिड़की के साथ थे, खिड़की से बाहर आ गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि हादसा ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। उधर फैसलाबाद में तलबा के वालिदैन रोते हुए स्कूल के बाहर जमा हो गए और अपने बच्चों की खैरियत के लिए दुआएं मांगते रहे। कलरकहार में बस हादसे में कई मासूम बच्चों की जानें चली गईं। इन बच्चों के वालिदैन फैसलाबाद में मिल्लत ग्रामर स्कूल के बाहर मौजूद हैं। इन वालिदैन का कहना है कि अभी तक उनको बाकायदा तौर पर किसी ने बचने वाले बच्चों के बारे में मालूमात फराहम नहीं की। वो अपनी मदद आपके तहत ये मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं बताया जा रहा कि किस बच्चे की क्या मिसहैप हुआ, क्या कैजुअल्टीज हुई हैं और कितने बच्चे जख्मी हैं, इस बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं किया जा रहा यहाँ पे। और सारे लोग जो इसी वजह से ज्यादा परेशान है। कुछ पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि हसीब और असद शबीर और हसीब और हाफिज, ये माशाल्लाह बच्चे ठीक है, ये 10th जना के बच्चे हैं मिल्लत ग्रामर स्कूल के। तो इनके पेरेंट्स अगर सुन रहे हो मेरी बात, तो इन ये बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं। और क्यों फोन किया है, और चकवाल का उधर का एक डॉक्टर है, उसने हमें बताया है कि ये मोहम्मद सुल्तान अशरफ, उससे हमने बात भी की है। तो इस टाइम मैं ना पूरी कौम से कहूंगा कि प्लीज हमारे लिए दुआ करें कि जिन जिन के चिराग घर में हैं वो बच जाएं, घरों के तख्ते उलटने से रह जाएं। इस वक्त हमें आप लोगों की दुआओं की जरूरत है।
फैसलाबाद में मिल्लत ग्रामर स्कूल के बच्चों के लवाहिकीन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और पुलिस पर पथराव किया। कलर कहार हादसे के शिकार होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने फैसलाबाद की मिल्लत ग्रामर स्कूल आमद पर इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। लवाहिकीन का कहना है कि हमारे घरों पर कयामत टूटी हुई है, जबकि इंतजामिया की जानिब से मालूमात फराहम नहीं की जा रही। गुज़श्ता 3 घंटे से बिजली भी बंद है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली जल्द बहाल करवाई जाए, बच्चों के हवाले से सही मालूमात भी फराहम की जाए। और ये मनाजिर आप फैसलाबाद के देख रहे हैं, जहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है इंतजामिया के खिलाफ, और इन वालदैन का कहना यह है कि हमारे बच्चों के बारे में हमें मालूमात फराहम नहीं की जा रहे हैं। वालदैन मुस्तरिब हैं, परेशान हैं कि किन के बच्चे महफूज रहे हैं और कौन कौन से बच्चे ज़ख्मी हैं। वालदैन उनके बारे में जानना चाहते हैं। हस्पताल में बच्चों को मुंतकिल कर दिया गया है चकवाल के अस्पताल में जाए वकूआ से तमाम बच्चों को, और हमने आपको बस के मनाजिर भी दिखाए कि किस तरह से यह हादसा पेश आया और इस अफसोसनाक वाक़े में 30 के करीब अफराद जहां बहक हुए। कलर कहार पर होने वाले बस हादसे के बारे में बात करेंगे। फैसलाबाद में मिल्लत ग्रामर स्कूल के बाहर मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, वालदैन मौजूद हैं, क्या तमाम को उनके बच्चों के बारे में मालूमात दे दी गई है कि किन के बच्चे महफूज रहे हैं और कौन से बच्चे हादसे का शिकार हो गए हैं? खुर्रम, आपको आवाज आ रही है? अब हम मिल्लत टाउन में जो है मिल्लत ग्रामर स्कूल के सामने खड़े हैं, यहाँ पर लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर। जी 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 खुर्रम जी, सामने खड़े हैं। खुर्रम, आपको अगर आवाज आ रही है तो ये बताएगा कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो वालदैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनको क्या मालूमात पहुंचा दी गई है, उनके बच्चों के बारे में बताया गया है? जी, यहाँ पर हम जो मौजूद हैं इस टाइम मिल्लत टाउन में मिल्लत ग्रामर स्कूल के सामने, यहाँ पर जो है लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उनका यही गिला है कि उन्हें अभी तक जो है किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, और जो है इसके अलावा यहाँ पर कमिश्नर भी आए हैं, उनकी तरफ से भी कोई खातर खा जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, और ये भी नहीं किया जा रहा कि कौन से बच्चे जो है अभी लापता है और कौन से बच्चे जख्मी है, और यहाँ पर जो है किसी किस्म की लिस्ट जो है वो अवेजा नहीं की गई। और इसके अलावा जो है यहाँ पर लवाहिकीन ने जो है मुश्तिल भी हुए हैं और उन्होंने के सामने भी एहतजाज किया, और वैसे भी जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। उनका यही कहना है कि हमें कम से कम अपने प्यारों के बारे में जो है वो इतला तो फराहम की जाए, लेकिन अभी तक किसी किस्म की इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये भी देखने में आया है कि जो लवाहिकीन है उन्होंने पथराव किया, और पथराव की वजह भी यही है कि जो है इनको किसी किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन जा रही, और यहाँ पर जो है कई घंटे से जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, बिजली बंद है, लोगों को जो है वो मीडिया के जरिए भी किसी किस्म की इत्तला नहीं मिल रही। और यहाँ पर जो है हमारे साथ जो है कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनके साथ भी आपकी बात करवाएंगे। अच्छा जी, बताइएगा कि आपका बच्चा भी बीच में शामिल है, आपका आपको इत्तला मिली है या नहीं? बस अपने सोर्स से पता चला एक बच्चे के बारे में, वो रावलपिंडी में है और बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, सीरियस केस था। तो बाकी जो जितने भी लवाकिन है 110+ यहाँ पे सानिया गुजरा, 110+ फैमिलीज के ऊपर, तो 110 से ज्यादा लोग थे। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारी मौजूदा इंतजामिया कमिश्नर बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, या हमारी जो पुलिस की इंतजामिया है, किसी ने भी एक सिंगल बंदे के बारे में ये तस्दीक नहीं की कि फलां की कैजुअलिटी हुई है, फलां जख्मी हुआ है, इतने बच गए हैं, इतना ये हुआ है। ये फैमिली सारी की सारी परेशान खड़ी है, सफ़े मातम बिछा हुआ है पूरे गाँव में, पूरे मोहल्ला में, पूरे मिल्लत टाउन में, बल्कि पूरे फैसलाबाद में। तो बहुत दुख की बात है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई भी खतर का कोई जवाब तक ना मिला। कुछ लोगों को अपने तौर पे पता चल रहा है कि उनके जी जख्मी हैं। अच्छा खुर्रम, यहाँ पर जो नंबर्स फ्राहम किए गए थे मीडिया के जरिए से लोगों को दिए गए, जो इंतजामिया के नंबर थे और मोटरवे पुलिस के नंबर थे, क्या उन पर रब्ता हो रहा है और वो कोई मालूमात दे रहे हैं इन बच्चों के बारे में? खुर्रम को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं उस बदकिस्मत बस के जो कलर कहार के पुल से नीचे जा गिरी और उलट गई। आप ये मनाजिर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा किस कदर खौफनाक था। 110 के करीब अफराद इसमें सवार थे, जबकि 72 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद को इस बस में सवार किया गया था, जिनमें छोटे बच्चे भी थे। 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे इस बस में मौजूद थे, और असातिज़ा भी इसके अलावा थे। कुछ असातिज़ा और बच्चे इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी तादाद
30 है, और जबकि 70 के करीब अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ को चकवाल और कुछ को रावलपिंडी के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कुछ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कलर का हार ले जाया गया है।